हेलो दोस्तों, मैं हूं परविंदर और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट का टाइटल और जो टैगलाइन है वो आप कैसे चेंज कर सकते हैं। ये वही टाइटल और टैगलाइन है जो आपका गूगल सर्च के अंदर दिखाई देता है, तो ये आपको चेंज कैसे करना है। इसके लिए आपको अपने वेबसाइट के डैशबोर्ड के अंदर लॉगिन करना है और आपको अब लेफ्ट साइड में अपीयरेंस के अंदर कस्टमाइज का ऑप्शन मिलेगा, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। कस्टमाइज का ऑप्शन अभी ओपन हो रहा है, ये हमारा कस्टमाइज का ऑप्शन ओपन हो चुका है। अब यहाँ पे आपको साइट आइडेंटिटी का एक ऑप्शन मिलेगा, अलग अलग थीम के अंदर ये अलग अलग हो सकता है। हो सकता है किसी के अंदर ये हेडर नाम से अवेलेबल मिले, तो यहाँ पे क्या है, ओशियन WP थीम मैं यूज़ कर रहा हूँ, इसके अंदर ये साइट आइडेंटिटी के नाम से आपको अवेलेबल मिलेगा, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। और यहाँ पे हम नेम चेंज कर सकते हैं और ये है हमारा साइट टाइटल और ऊपर है नीचे है टैगलाइन। यहाँ पे हम जो भी डालेंगे, अब जैसे अगर मान लो आपको मैं नेक्स्ट टैब में दिखाऊं, जैसे ही हम इसके ऊपर होवर करके आते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ मेरा नाम परविंदर लांबा, जस्ट अनदर वर्डप्रेस वेबसाइट। तो इसको हम चेंज करके जो भी मेरा टाइटल है वो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। यहाँ पे मैंने अपना जो टाइटल है वो डाल दिया है और यहाँ पे टाइटल और टैगलाइन डालने के बाद आपको पब्लिश के ऊपर क्लिक करना है। पब्लिश करते ही हमारा जो टैगलाइन और टाइटल है दोनों चेंज हो चुके हैं। आप इस पेज को रिफ्रेश कर सकते हैं। जैसे हम इसको रिफ्रेश करेंगे तो ये हमारा ओपन, इसको मैं दोबारा रिफ्रेश करता हूँ और अब देखिए आप यहाँ पे टाइटल है परविंदर लांबा डिजिटल मार्केटिंग कंसल्टेंट। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। ऐसी ही और हेल्पफुल वीडियोज़ के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।